आज के आनंद की जय जय श्री राधे। ये नीचे क्या बस नहीं चल रहे? हरे कृष्णा। हाँ देखो, आज हम लोगों का बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि हम सबके सब थोड़ी समय के लिए हमें भगवान की भक्ति, भगवान की कथा, भगवान की कीर्तन हमें सुनने को मिला है। इसलिए शंकर जी पार्वती को ये बात कहते हैं, बोले पार्वती ये जीवन में कब ये सत्संग मिलती है? तब मैया पार्वती कहती है कब मिलती है? तो शंकर जी कहते पार्वती अति हरि कृपा जा पर होई पाप तहि यह संगत सोई। जब भगवान की किसी जीव को ऊपर में एकदम डायरेक्ट कृपा हो जाए, डायरेक्ट कृपा मतलब अभी संसार में और हमें ये दुख कष्ट नहीं उठाना है, हमें ठाकुर जी की चरण में हमें स्थान मिलने वाला है, तभी ये जीवन में ये सत्संग, तभी जीवन में ये भगवत कथा हमें सुनने को तभी मिलती है, तभी साधुओं का संग हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसलिए आज समझो हम लोगों का आज बहुत अच्छा दिन है, जो थोड़ी समय हमें भगवान की कथा सत्संग हमें सुनने के लिए मिला है। इसलिए भगवान कृष्ण उद्धव जी को एक श्लोक कहते हैं, ध्यान देकर सुनो, ये कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। बोले क्या कहते हैं? बोले लब्धा सुदुर्लभ मिदं बहुसं भवन्ति मानुष्यम अर्थदम अनीत अभियध्य। मतलब है कहते हैं उद्धव, ये जो मानव शरीर है ये दुर्लभ नहीं, कहते सुर दुर्लभ सुरा अयोध्या वासियों को कहते, बोले हे अयोध्या वासियों ये मानव शरीर को साधारण मत समझो, कहते सुर दुर्लभ मतलब देवताओं के लिए भी ये मानव शरीर कठिन है। बोले कौन सब कहां पर? लंदन न अमेरिका न फ्रांस, बोले भारत में। बोले कौन सा वंश? बोले हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में सनातन धर्म में जन्म लेना बड़े भाग्य की बात है। कौन कह रहे? अरे गरीब व्यक्ति नहीं कह रहे, ये कृष्ण स्वयं कहते हैं। और उधर राम अयोध्या वासियों को कह रहे हैं, इसलिए बड़ी भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथ है। इसलिए बोले लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदं बहु संभवान्ति, ये मानव शरीर हमें कम मिला, बोले सहज नहीं, इसको पहले कितने कष्ट उठाना पड़ा। जब कहीं बकरी बन गई ना मुसलमान का हाथ पड़े, सीधा टांग लटका करके चमड़ा उतार दिया। मुर्गा बन गए ना मुर्गी, सीधा गले घोट दिए। सुअर बन गए ना, देखो सुअर देखो कैसे मारते हो पता है तुम्हें? उसका हाथ पैर बांध देते हैं, नहीं तो खोलते हुए पानी में छोड़ देंगे, नहीं तो एक लोहे का छड़ गर्म करते हैं और सीधा अंदर में घुसा देते हैं। बड़ी बुरी तरह से इतने जोर से चीखता जो सोच भी नहीं सकते हो। अगर कोई पेड़ हो गया ना, टहनिया काटने पर भी बोल नहीं सकते हो, धूप में खड़ा रहते ठंडी में। भगवान राम स्वयं कह रहे, बोले ये मानव शरीर को इतने दूर इन्होंने क्यों बताया? बोले ये जीवन पाने से पहले गधे कुत्ते सुअर पेड़ पौधा सब घूम करके आए, तभी ये मानव शरीर में मिला। बहु संभव मानते, इसलिए अर्थदम, इसलिए मानव शरीर को सबसे जीवन मानव शरीर को बताया। मतलब क्या? कमल का पत्ते के ऊपर में पानी डगमगाता है, ये जीवन वैसे ही है। अगर किसको भजन की बात बोल, अभी क्या मर रहे हैं? अभी क्या बूढ़े रिटायर्ड लाइफ में एक दो माला कर लेंगे? अभी से क्या कर रहे हो? भगवान भजन करने के लिए। फिर यही बात प्रहलाद को, उनको बच्चों उनको जो उन्होंने बताया भजन करो 5 साल से, बोले क्यों 5 साल से क्यों करेंगे? जब बड़े हो जाएंगे करेंगे, बड़े हो जाएंगे जब करेंगे। प्रहलाद ने कहा कोई तुम्हारे पास में ज्ञान कहा है? अभी देखना कितना सैनिक तुम्हारे देखे हो, ठीक में देखे होंगे ना, कोई सोचा होगा? इसलिए विश्वास नहीं, वो विश्वास जो छोड़ा है ना, दूसरे श्वास ले पाओगे कोई नहीं बोल सकता है, दूसरे श्वास ले पाओगे कोई बोल सकता है? इसलिए बोले क्या तुम्हारे पास में कोई ज्ञान रखा हुआ है?
बोले अगर इसी जीवन में नहीं होगा फिर दूसरे जीवन में भक्ति करेंगे। बोले भैया दुर्लभम मनुष्य जन्मम, ये बार बार ठाकुर नहीं देते हैं, ये 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ये मानव शरीर 84 लाख जोनि को बाद में एक बार मिला है, भगवान सहज में ये जीवन नहीं देते हैं, हैं? इसलिए बोले लब्धा सुदुर्लभम इदम महुतु मानुष्यम अर्थदम अनित्य अपि अभी, किसी समय भी खत्म हो सकता लेकिन अनित्य अभी अभी तृणम। बोले तृणम मतलब क्या? बोले जितने जल्दी हो प्रभु का भजन करना शुरू करो। कितना? कल कर सो, आज कर सो, अब उसके बाद में पल में पल आएगी, बहरी करोगे कब? इसलिए भगवान कह रहे हैं जो दूसरे काम को बाद में रख लो, दूसरे काम करना उसको बाद में भी कर सकते। तृणम है, तृणम मतलब, लेकिन जो भजन है ना कहते सौ काम कभी चुप 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 रख बैठ जाना, ज्यादा बोल दो मगज बैठो, बैठ जाओ तो ना मुंह में हाथ लगा लो, हाथ लगा तो बैठ बता दू। इसलिए बोले तृणम, तृणम मतलब होता है जितने जल्दी हो भगत, तृणम जतेत न पतेत अनुब्रत जागत, मरने से पहले कितने जल्दी हो भजन करना शुरू कर दो। बोले क्यों? बोले विषय फल सर्वदर्शा, हम भगवान करते संसार को बढ़ना शुरू कर। बोले रात में क्या करते हैं? बोले सोते हैं, विषय को बच्चे जन्म देते हैं। तब भगवान कहते हैं उद्धव बताओ ये काम कौन नहीं करता है, ये काम को कौन नहीं करता, कौन खाता नहीं, कौन पीता नहीं, कौन सोता नहीं, जानवर क्या नहीं करते, वो भी तो वही कर रहे हैं। तो उदाहरण देकर समझाए। बोले कोई एक स्वर लेटा हुआ था, कोई एक जज जा रहा था, इतने में जज ने वो जो स्वर को ना पैदा था बूट उसको जोर से मारा, मारते स्वर ने कहा भैया मेरे को क्यों मार रहे? बोले तू स्वर। बोले तू कौन? बोले दिख नहीं रहा मैं जज हूँ। देखो स्वर क्या प्रश्न करता है। बोले स्वर ने पूछा बता मेरे से किस काम में बड़े हो? बोले पूछ लो हर काम से बड़ा। बोले पूछो, उसका पहला प्रश्न था कितने तेरी बीबी, तेरे कितने बीबी कितने पत्नी? बोले एक। बोले एक बीबी? बोले हाँ। बोले मेरे कितना जानते हो? बोले देख कितने जितना स्वर गया ना पत्र भी ये सब मेरे बीबी सब, इसमें भी तो फेल हो। उसका दूसरा प्रश्न था बोले जिंदगी भर कितना बच्चे जन्म दिया? बोले 2, 4, 10। बोले इससे तो ज्यादा नहीं? बोले मैं 6 महीना में एक बार देता हूँ, 1 दर्जन से कम कभी 15-15 हो भी जाता है, इसमें भी तुम फेल हो। ध्यान देकर सुनो, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है बोले बच्चा ये बच्चों को पालना करने के लिए तुमने क्या किया? बोले पहले माइनर स्कूल गया, फिर हाई स्कूल गया, फिर यूनिवर्सिटी गया, फिर डिग्री प्राप्त किया, उसके बाद में नौकरी करता हूँ उसमें भी उल्टा पुल्टा झूठ बेईमानी कर लेता हूँ। बोले भैया तुम केवल पेट को भरने के लिए इतने कष्ट किया? बोले हाँ 25 साल का तो पढ़ाई किया। उसने कहा भैया मैंने ये पेट पालने के लिए कोई कोई हाई स्कूल नहीं गया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं गया, किसकी नौकरी भी नहीं करता, वो रास्ता में पेट हो जाता। बोले ये चीज में तुम भी, इस चीज में तुम फेल हो, बच्चों उत्पादन करने में भी फेल हो, है? उसने कहा ये बताओ तुमने रात को नींद आती है तुमको? अगर देखना संसार कोई टेंशन होना, एयर कंडीशनर रूम में गोली खाने पर भी तेरे को नींद नहीं आता, लेकिन मैं कीचड़ भूकर में आराम से सोता, नो टेंशन। आप कभी सुना किसी सुअर ने तो कुत्ता ने कभी सुइसाइड करते हुए सुना? लेकिन सुइसाइड इनसाइड इंसान करता है, कुत्ते सुअर कभी सुइसाइड नहीं करते। इसलिए यहाँ पर वो भगवान कह रहे हैं हम जो काम करके बड़े सक्सेसफुल मानते हैं जीवन भर, हमारी नौकरी कर लिया, चाकरी कर लिया, शादी कर लिया, बच्चे हो गए, बड़ा करके किसको अमेरिका, किसको लंदन, फ्रांस जब ने भेज दिया। तब भगवान कृष्ण कहते हैं भैया तुमने कोई बड़ी बड़ी तीर्थ तुमने नहीं मार दिए, इसको कर दिया कोई बड़ी बड़ी तीर्थ तुमने नहीं मार दिए। लेकिन भगवान कहते हैं जानते हो ये जीवन को इतने दुर्लभ क्यों बताया? केवल एक काम, केवल एक काम ये जीवन में कर सकते हो, इसलिए दुर्लभ है। क्या है? भगवान की भक्ति, ये प्रभु का। इसलिए भगवान राम अयोध्या वासियों को कहते हैं कि अयोध्या वासियों ये मानव शरीर में ही मेरे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई पर लोक सवार, हे अयोध्या वासियों ये मानव शरीर में ही ये मुक्ति के दरवाजा पर तो खड़े हो। कहां पर खड़े हो?
मुक्ति के दरवाजा पर खड़े हुए, मतलब इसी जीवन में भजन करते हुए तुम मेरे पास में आ सकते हो। अगर ये जीवन पा करके तुमने भजन नहीं किया और दुनिया के सारे धर्मों को पालन किया, सारे बढ़िया से शादी किया, बढ़िया दुकान मकान बच्चों को बड़ा किया, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं किया तो लास्ट में जीरो है। और देखना मरते समय यही बोलेंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सबकी बात झूठा है, ये तो बोलेंगे ना। बोले बेटा जितने राम का नाम कृष्ण का नाम लिया ना वही जा रहे हैं, और जो कुछ किया सब झूठे में बिताया। पत्नी जाएगी तो साथ में दरवाजा तक जाएगी, आगे नहीं चलेगी। परिवार जाएगा तो शमशान तक जाएगी, उसका आगे कोई कोई चलने वाले नहीं। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रचना, ठीक है ना, कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं और उधर भगवान राम अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं। इसलिए जीवन का अगर क्या करो, भगवान की भक्ति, भक्ति के बगैर जीवन जीरो है। सब मीरा एक उदाहरण दे, जैसे एक सब्जी बना बढ़िया, खूब मसाला डालो, सब्जी बनाते हो घर में, खूब मसाला डालो, घी डालो, सारे बढ़िया बढ़िया चीज दिया, लेकिन एक चीज सबसे कम पैसा का एक चीज उसमें नहीं डालो, आप देखना सब्जी खा नहीं सकते। क्या बोलो, सब चीज बढ़िया डाला, अगर नमक नहीं डालो ना भोजन दो, ए बेकार बनाया, बेकार सब्जी बनाई, लेकिन इतना मसाला मसाला कुछ है नहीं, लेकिन नमक थी रोटी में खा लो, उसके रोटी खा लोगे। मीरा कहती है भजन बिना नरक फीको है, भगवान की भक्ति के बगैर जो जीवन है ये फीका जीवन है, बेकार जीवन है, ठीक है ना। इसे क्या करनी चाहिए, भगवान की भक्ति। लेकिन भक्ति करने के लिए तीन चीज अपनाना बहुत जरूरी है, तीन चीज हमें अपनानी चाहिए। बोले तीन चीज क्या है, तो एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे आप अमेरिका जाना चाहते हो, नहीं तो लंदन फ्रांस कहीं विदेश जाना चाहते हो, आपके पास में तीन चीज जो ना जरूर है, जानते हो तीन चीज क्या है। पहला नंबर पासपोर्ट होनी चाहिए, दूसरा नंबर वीजा होनी चाहिए, उसके बाद में टिकट। जब तक ये तीन चीज नहीं होगा ना, इसी दुनिया में भी आप दूसरे देश में नहीं जा सकते। अगर ठाकुर के पास में जाना चाहते हो तुम्हारे पास में भी तीन चीज होनी चाहिए। वो तीन चीज क्या, पहला नंबर पासपोर्ट, पहला नंबर पासपोर्ट। बोले पासपोर्ट किया, बोले गले में तुलसी की कंठी, गले में तुलसी की माला होनी चाहिए, तुलसी साधारण नहीं, लक्ष्मी सख्या, इसमें भगवान के निवास है, ठाकुर का निवास है, हैं? इसलिए जब महाराज जमदूत कहते हैं, देखो जो भक्ति करते हैं ना उनको मेरे पास में बतलाया करना, तो उन्होंने भैया मुझे लक्षण बता दो, कौन करता है नहीं करता है। उन्होंने उदाहरण दिया जैसे एक सधवास्त्री, सधवास्त्री सधवास्त्र कुछ लक्षण होता है, क्या लक्षण है, मांग करती है, सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, शंखा पहनती है, हैं? ये सब चीज से हमें क्या पता चलता है कि सधवा, ये सधवा हर एक विधवा, इसे पता चलता है।